हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पर सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बाघंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बाघंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूं, पीतल का सांप बनवा लेती हूं, घर में मेरे शिवलिंग है उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूं, सर्प रख देती हूं, वासुकी नाग रख देती हूं। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है इस शिवलिंग के पांच स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? पांच। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ पूरा चावल का दाना। पांच स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पे चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। पांचवा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये पांच स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। ये पतालेश्वर है। पांच स्थान